deadness, magnetic resonance imaging. What is the meaning of magnetic resonance and imaging? That is a very simple word. Magnet. Magnet means those have the capacity to attract. Resonance, those sound which hear by me and other. And imaging means picture. That MRI means magnetic resonance imaging. That means any things which give the resonance and produce the image is called as MRI. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई भी ऐसा चीज जिसके जरिए कि हम वेव प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोड्यूस वेव किसी रेजोनेंस के थ्रू सुना जाता है और सुनकर जो इमेज बनाई जाती है उसे ही एमआरआई बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? एमआरआई मींस क्या होगा? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक ये एक पावरफुल कंप्यूटर है. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है, पावरफुल कंप्यूटर. क्योंकि एक नॉर्मल आप कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अंदर क्या कैपेसिटी है? सिर्फ आप इमेज को देख सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको स्मॉल कर सकते हैं. लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी क्या है? आपको मैग्नेट की पावर भी इसके पास होता है, रेजोनेंस पावर भी होता है और उस रेजोनेंस को इमेज भी देता है. ठीक है, इसलिए इसके लिए एक वर्ड होता है पावरफुल कंप्यूटर. ठीक है, बैटरी. तो इसमें हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि एमआरआई एक न्यू टेक्निक है जो कि आपकी किसी भी तरीके की कोई भी बॉडी प्रॉब्लम्स है उसको ये इमेज बनाती है, उसको मैग्नीफाई करती है और उसका डिटेल्स नॉलेज देती है. वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एमआरआई. व्हाट इज द एमआरआई, व्हाई इट्स discovered, what are the reason, what are the factor, all these things are written in here. Magnetic resonance imaging is a medical imaging technique used in radiology to form picture of the anatomy, that is anatomical and physiological process of the body in both health and disease. That means इसका introduction ये खुद ही बोल रहा है कि जो magnetic resonance imaging है वो medical की एक टेक्निक है जिसके जरिए हम इमेज प्रोड्यूस करते हैं और उस टेक्निक में रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब हमारे बॉडी में शारीरिक तौर पे और उसका क्रियात्मक तौर पे, यानी रचनात्मक और क्रियात्मक तौर पे दोनों तरह से ये इमेज बनाता है. एंड द बॉडी इन द बोथ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन. हम एमआरआई का यूज हेल्दी कंडीशन में भी कर सकते हैं और डिजीजेड कंडीशन में भी कर सकते हैं. प्रोसीजर वेरी क्लियर डिटेल पिक्चर ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर इन द बॉडी. इसकी सबसे खास यही है, टुडे इज न्यू टेक्निक व्हाई यू नो अबाउट एक्सरे, यूएसजी, सीटी, ऑलरेडी यू नो. देन इट्स कम एमआरआई. मतलब आप सोचिए कि अगर ये यहां से चल के यहां तक आया है तो इन लोगों से तो कुछ तो डिफरेंस होगा इसके अंदर. ठीक है ना, तो ये चीज यहां पे एक्सप्लेन हो रहा है कि प्रोसीजर वेरी क्लियर produce very clear detailed picture of the organ and structure in the body. So it's called as MRI. ये इसीलिए new technique कही गई है MRI. It's a form of medical imaging that use no ionization radiation. Ionizing radiation का मतलब क्या है? जैसे आप NaCl देखते हैं तो इसमें Na plus है, Cl minus है. That is the ionization condition, ionic. ठीक है, ion का condition. तो इसमें सिर्फ हम क्या यूज करते हैं? इमेजिंग ग्लास यूज नो आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइज तो यूज करते हैं लेकिन रेडिएशन नहीं यूज करते हैं. इसलिए ये सारी टेक्निक की तुलना में सेफ टेक्निक है. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिनेशन. एमआरआई इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक द यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव टू प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट टिश्यू एंड ए बोन. इसको भी हमने आपको हिंदी में बताया था कि एमआरआई एक टेक्निक है जिसमें कि हम रेडियो वेव का यूज करते हैं और वो रेडियो वेव मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है और एक इमेज का फॉर्मेशन करती है जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और बोन होते हैं उनका इमेज क्लियर हम एमआरआई के जरिए ले सकते हैं. नेक्स्ट, एमआरआई इमेज द स्पाइन बाय यूजिंग ए मैग्नेट दैट गोज अराउंड द बॉडी एक्साइट हाइड्रोजन एटम आफ्टर द रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल ऑफ एक्साइटेशन. They emit energy that is
scanner and seen in the MRI. ये very difficult है, but मैं इसको easy में मैं आपको बताता हूँ. You know about our body in about 70 to 80% water is present, right? So water formula is H2O. H plus plus OH minus, right? Man? ये किसका इसको हम एक दूसरे भाषा में भी बोलते हैं फोटॉन. You know photon. Yes or no? Photon. Yes. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? MRI image the spine by using spine means यहाँ पे rounding है, ठीक है ना? Spine means rounding by using a magnet that goes around the body. जैसे ये क्या पिक्चर है? हाँ, जैसे यहाँ पे ये एक पेशेंट है, उसकी बॉडी को हम MRI मशीन के अंदर डाल के रखे हैं और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है? वो मैग्नेट मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है? ठीक है, स्पाइन बाय यूजिंग ए मैग्नेट दैट गोज अराउंड द बॉडी एक्साइट हाइड्रोजन एटम. अब जो हमारे बॉडी में जो वाटर से हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइट होता है, इसके वजह से क्योंकि वहां से रेडियो वेव और आयनाइजिंग रेडिएशन वहां नहीं आ रहा, लेकिन आयनाइजिंग चीज आ रहा है ना, आयनाइजिंग जो हमारे बॉडी में, उसके वजह से ये एक्साइटमेंट एक्साइट हाइड्रोजन एटम आफ्टर द रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल ऑफ द एक्साइटेशन. जब ये मशीन एक राउंड पूरा लगा लेती है इस पेशेंट के, तो ये फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है? जब वो नॉर्मल कंडीशन में आती है तो ये इमेज एनर्जी, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है दैट इज डिटेक्टेड स्कैनर एंड सीन इन MRI. और यही जो एनर्जी होती है ये स्कैनर के द्वारा डिटेक्ट की जाती है और आपको सीन होता है जो इमेज आप प्रोड्यूस करते हैं, राइट? समझ में आया? और नॉर्मल भाषा में बोलो, ठीक है? नॉर्मल भाषा में जैसे एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आपने पूरी बॉडी को डाल दिया, वो मशीन मूव करती है, आपकी बॉडी मूव नहीं करती, पहली चीज. दूसरी चीज कि जो आपके बॉडी में लगभग वाटर हर सेल्स के पास है, तो उसके पास जब होगा तो उसके पास H प्लस जरूर होगा. इस H प्लस को वो जो मैग्नेट उसके अंदर लगा हुआ है, बार मैग्नेट उसको बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको एक्साइट करता है. एक्साइट मतलब उसको उत्तेजित करता है, जिसके वजह से कि आपकी बॉडी के जो भी फोटॉन है वो पूरे बॉडी में मूव करने लगते हैं. जब वो मूव करते हैं तो उनके जरिए एक एनर्जी फ्री होती है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी स्कैनर के द्वारा स्कैन की जाती है, मतलब रिसीव की जाती है, और वही रिसीवर जो होता है या स्कैनर होता है वो एक इमेज प्रोड्यूस करता है. क्योंकि हमने आपसे रेजोनेंस की बात किया है, तो वो रेजोनेंस के जरिए एक स्कैनर स्क्रीन आपका सीन प्रोड्यूस करता है, जिस सीन को हम MRI इमेज बोलते हैं या MRI स्कैन बोलते हैं, ठीक है? और सुनना बेसिक कंपोनेंट का MRI had one diagrammatic things, but we seen here not clear picture because it's a diagrammatic, but real is different. So I asked previous question, what are the family, how many people are belong to the doctor's family, that is the reason. MRI scanner question, patient table, scanner, magnet, gradient coils and radio frequency coils. That means, इतने चीजों का यूज क्या है सोचने की बात. हमने आपको सिर्फ यहाँ पे बताया एक मैग्नेट है, मैग्नेट के जरिए काम हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैग्नेट क्या करता है, कैसे रेडिएशन यूज होता है, क्या कंप्यूटर है, किस तरीके का है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेशेंट है, वो लेटा हुआ, ठीक है ना? ये पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स के जरिए ऊपर लगाया गया है, उसके साथ में जस्ट उसके पैर के साइड में मैग्नेट कॉइल ग्रेडिएंट
कॉइल्स लगाए गए हैं और उसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के जरिए रेडियो भेज रहे हैं। लेकिन ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसीजर में आएंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर ग्रेडियंट पावर सप्लाई होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर होता है, ये कंप्यूटर के जरिए सेटअप होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर ऑपरेटर कीबोर्ड के जरिए ये सारा इमेज एक पिक्चर में बदलता है। ठीक है, इसको हम प्रोसीजर में आपको बताएंगे, लेकिन नॉर्मल वे में जो हमने वहाँ डेफिनेशन दिया, जो हमने बताया वो यही सारी कुछ। ठीक है, दैट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एमआर। All things will be comes in next. History. We talk about history. MMRI was first discovered in 1946 and used to determine the structure of complex molecules. NMRI, यहाँ पे अब तक हम MRI की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले NMRI. यहाँ पे बस एक वर्ड जुड़ गया है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फर्स्ट टाइम we have no any knowledge, our scientists have no any knowledge about the MRI. But here one name is written, Dr. Raymond B. Damadi. First, इन्होंने given the knowledge about NMRI. Then the first MRI was published in 1973 in medical field. You think here, first year given the NMRI in 1946, but for the medical field 1973, that is a big difference. What are the reasons? Why it's big difference? You 27 think? Year. Because actually. ये लोग भी थे ना, ये लोगों को भी तो कुछ चाहिए था, जैसे कि उस जब समय में एक्सरे भी आया, यूएसजी भी आया, सीटी भी आया, तब तो एमआरआई है ना। इसलिए एक बड़ा डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ तक तो हमने खोज कर दिया था कि एमआरआई क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमने डिस्कवर किया, लेकिन उसको कैसे मेडिकल फील्ड में यूज करना इस चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे ये सारे रेडिएशन आने लगे तो उनको लगा कि नहीं, ये चीज सही है, इसको हम मेडिकल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है, आपको पता है कि कोई भी चीज हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ह्यूमन बींग के ऊपर। ठीक है, तो द फर्स्ट एमआरआई वाज पब्लिश्ड इन 1973 इन मेडिकल फील्ड। फर्स्ट स्टडी परफॉर्मड ऑन ह्यूमन वेयर पब्लिश्ड इन 1977 द एमआरआई created by Dr. Raymond B. Damadi and Dr. Larry Minkoff, Dr. Michael Goldsmith, in 2003 awarded by Nobel Prize in the field of physiology and medicine. That is the big things, Nobel Prize. Here start from the 1946, but Nobel Prize funding 2003. Next. Proceed. The process of magnetic resonance imaging is dependent on the free proton in the hydrogen nuclei in molecules of water. I given already about this. Because water is presenting almost biological tissue. The hydrogen proton is ideal for humor and cell. The proton within a patient hydrogen nuclei can be regarded as a small bar magnet which are randomly oriented in space. I am ready to main about the speed. Okay? The patient is placed in a strong magnetic field which eliminates bar magnet. When a pulse of radio wave is passed through the patient, the magnet are deflected and as the return to their eliminated position and emit small radio pulses. Already all these things are given by me in the previous slide.
The strength and frequency of the immediate pulse, the time it takes for the proton to return their pre-existing state, produce a signal. These signals are analyzed by a powerful computer and images created. That is the procedure. जो हमने आपको पहले बता चुका, ठीक है? Yes. MRI. अब यहाँ पे वही चीज सीएम को बताया गया है. अब उस ऊपर से ना ध्यान दें कि आप नीचे से ध्यान दें. यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है? उस कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. प्रोटोकॉल्स मतलब एक सेटिंग होती है, जिसको हम कंट्रोल्स करते हैं. ये ऑपरेटर कीबोर्ड होता है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन व्यू कंट्रोल प्रोसेस. यहाँ पे हम कंप्यूटर के जरिए, आपने देखा होगा कि एक रूम अलग होता है एमआरआई के लिए, स्पेशली रूम होता है, उसमें डॉक्टर जाता है या जो भी टेक्नीशियन होता है वो जाता है, मरीज को सेट करके चला आता है. वो वहाँ खुद नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ऐसा देखा आपने, वो खुद नहीं खड़ा होता. इसके पीछे कारण है, ठीक है? इसके पीछे क्या कारण है आप जानते हैं, क्योंकि ये एक रेडिएशन प्रोसेस है, आयोनाइजिंग प्रोसेस है. कहीं ना कहीं इसमें से कुछ एनर्जी इमिट होती है जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है? तो ये कंप्यूटर यहाँ पे सेटअप जो रहता है, जो टेक्नीशियन आता है वो स्टार्ट करता है इस कंप्यूटर को. इसके जरिए कंप्यूटर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है और ग्रेडियंट पावर सप्लाई दी जाती है. किसमें? टेबल में, जो यहाँ टेबल लगाया गया है, ठीक है? सबसे पहले बोलते हैं ना, एक बल्ब जलाना है तो एक तरफ अर्थ चाहिए, एक तरफ फेस चाहिए. तो ये एक तरह का अर्थ है, ठीक है? तो ये दिया जाता है. फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर की बात बाद में करेंगे. रेडियो फ्रिक्वेंसी क्वायर और मैग्नेट क्वायर और ग्रेडियंट क्वायर के जरिए आदमी की जो बॉडी होती है वो जस्ट कस रहती है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नेट्स लगे हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं. जब वो मैग्नेट्स मूव करते हैं तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर के द्वारा फिर से रिसीव की जाती है. और वही रिसीवर जो होता है वो स्कैनर के जरिए स्कैन किया जाता है और आपके कंप्यूटर पे वो सीन होता है, ठीक है? ये पूरा प्रोसीजर है एमआरआई. हियर व्हाट इमेज इज गिवन, भले यू नो अबाउट P1 एंड P2. अगर आपको पूरा एमआरआई समझना है तो सिर्फ आप दो चीजें समझ लीजिए, पूरा एमआरआई आपको आ जाएगा. P1 वैसे कोरोनल प्लेन या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन प्लेन, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आपने मिस्टेक किया, यहाँ पे भूल गए, तो आप एमआरआई तो छोड़ दीजिए, अपना भी फेस भूल जाएंगे कि किधर थे, ठीक है? इसी के आधार पे आपको एमआरआई का जो फिगर होता है, एमआरआई स्कैन होता है, वो आपको देखना रहता है. हमेशा हर फिगर पे आपको T1 T2 लिखा रहता है, लेकिन आपको T1 और T2 ये समझना है कि कौन सेजाइटल है और कौन कोरोनर प्लेन है. आप लोगों को प्लेन आता है ना, वो उड़ने वाला नहीं, वो दूसरा वाला आप लोग के लिए सुविधाओं के लिए हमारे पास है, आपका बताया नहीं, ठीक है? यहाँ पे हमने आपसे बात किया था कि T1 जो है कोरोनर प्लेन या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? और T2 जो है वो आपको सेजाइटल प्लेन या ट्रांसवर्स, ठीक है? तो मतलब क्या है कि अगर हम T1 आपको फिगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कि कहीं ना कहीं कोरोनर प्लेन, क्लियर? देखो एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन की जरूरत तो नहीं है. अगर हम यहाँ पे T2 बोलते हैं तो सेजाइटल प्लेन. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जब आपको कभी भी MRI का फिगर, MRI का जो फोटो होती है वो आपको मिलती है ना, तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज रहते हो कि ये आगे पीछे दाएं बाएं, पहले तो वो क्लियर करो कि आपका किस साइड का है. फिर उसको पकड़ने के बाद उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि T1 इमेज है या T2 इमेज है. जितने ना 25-26 इमेज दिया रहता है, 30-30 इमेज दिया रहता है, तो उसमें सब पे लिखा रहता है कौन T1 है कौन T2 है,
क्योंकि आपको T1 और T2 के जरिए ही पता चलता है, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T1 T2 क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है मस्ट T1 वेटेड इमेज शो डार्क फ्लूइड, फ्लूइड को डार्क दिखाएगा एंड ब्राइट फेड, जो फेड होगा उसको ब्राइट दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप परेशान ना होइए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, डार्क फ्लूइड, और जो फैट होगा ब्राइट, वो ब्राइट। आप लोग सोचते हैं ना डॉक्टर ऐसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड में देख लेता है, क्या देखता है, यही चीज देखता है। अगर इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड में है, आपको ये स्लाइड भी मिल सकती है, ठीक है। ये सारा कुछ तो आपको बताना चाहिए ना प्लेन के बारे में, वैसे ऑलरेडी आप लोग प्लेन बहुत सारा देखे ना। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे बात किया था आपको कि इंटरमीडिएट है, ब्राइट है, डार्क है, ये सारा कुछ कैसे होता है और कहाँ से आता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ हाई सिग्नल दैट इज द ब्राइट, इंटरमीडिएट एंड डार्क, लो सिग्नल इक्वल टू डार्क, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है ना डार्क, यानी कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी अगर MRI हो रहा है और वो MRI स्कैन में अगर वो बिल्कुल डार्क आता है तो आप वहाँ क्या बोल सकते हैं, फ्लूड है, फ्लूड है, कलेक्शन है। अगर वो ब्राइट आता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि T2 में अगर ब्राइट आता है तो बोल सकते हैं कि फ्लूड है, ठीक है। T1 में ब्राइट आता है तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन है, मुझे भी बहुत कंफ्यूज की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर T2 में फ्लूइड ब्राइट फ्लूइड आता है तो वो ब्राइट होगा और फैट आता है तो इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट मतलब ब्राइट और डार्क के बीच का कलर, ठीक है। और अगर T1 में आता है फ्लूइड होगा तो डार्क होगा और फैट होगा तो ब्राइट होगा, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन चीजें हैं जिसके अंदर T1 आता है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर T2 आता है। अगर हम T1 देख रहे हैं इमेज, ठीक है, उसमें फैट होगा तो वो हाई सिग्नल होगा यानी ब्राइट होगा। अगर सब एक्यूट होगा तो भी ब्राइट होगा, हेमरेज होगा तो ब्राइट होगा, लेकिन किसमें ध्यान रखना है, T1 इमेज में, ठीक है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक समझते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक केमिकल की चीजें हैं, केमिस्ट्री में आई हुई है। पैरामैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जिनमें अनपेयर्ड रोल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और डायामैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जिसमें फुल पेयर होते हैं। तो इसमें अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो आपका हाई सिग्नल देगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का एक एग्जाम्पल है गैडोलिनियम, ठीक है, ये एक सबस्टेंस का नाम है जो कि पैरामैग्नेटिक है। ये सारा कुछ आपका यहाँ पे आता है। अब इसमें T1 में ग्रे मैटर जो होगा वो डार्कर होगा देन द व्हाइट मैटर, यू नो अबाउट ऑलरेडी CSF, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज द ग्रे मैटर, व्हाट इज द व्हाइट मैटर, ऑलरेडी नो देन ग्रे मैटर डार्कर देन द व्हाइट मैटर इन T2 वेटेड दैट सिग्नल इज इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर T1 वेटेड वेव है तो उसके अंदर अगर जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हाई सिग्नल आ रहा है T1 में यानी ब्राइट आपको दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है वहां फैट होगा, सब एक्यूट होगा, हेमरेज हो सकता है, मेलानिन हो सकता है या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस हो सकता है। ये सारा चीज अगर ब्राइट आ रहा है तो आप एसेस कर सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं है ना, आप एक सिर्फ डॉक्टर हैं, आप एसेस कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर वहां पे इवन वेटेड में अगर ग्रे मैटर डार्कर आता है देन द व्हाइट मैटर तो आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट सिग्नल के जरिए ये चीज दिखाया जा रहा है। उसके बाद गोल्ड यूरिन CSF एयर मून वाटर कंटेंट एडिमा ट्यूमर इन्फेक्शन एंड कैल्सिफिकेशन, अगर ये सारी चीज को हम T1 वेटेड वेव में देखेंगे तो ये लो सिग्नल देगा यानी टोटली डार्क कलर का आएगा,
ठीक है। अब T2 वेरिएंट की बात करते हैं। T2 वेरिएंट में एडिमा, ट्यूमर, इन्फ्रैक्शन, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, ये सारा चीज जो है अगर कहीं भी आपको सीन होता है तो इसका जो सिग्नल होगा वो ब्राइट होगा। एडिमा को हाँ बिल्कुल। तो यही चीज आपको यहाँ समझना है ना कि ये जो प्लेन चेंज हो रहा है इसकी वजह से ये प्लेन चेंज हो रहा है ना, इसीलिए तो हमने बताया ना कि आपको T1 के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा है कोरोनर प्लेन लॉन्गिट्यूड, उसी चीज को अगर आप सेजेटल प्लेन में देख रहे हैं तो वो MRI का फॉर्मूला है। यही सबसे ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है कि T1 और T2 में क्या चेंजेज होता है। आपको एक ही चीज दिख रही है ना यहाँ पे, T1 में कोई चीज आपको दिख रही है वही T2 में भी दिख रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है, वो प्लेन के वजह से, वो बायर मैग्नेट जब मूव करता है उसके वजह से। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट मैटर डार्कर देन द ग्रे मैटर, यहाँ पे आपने यही पे देखा ग्रे मैटर डार्कर देन द व्हाइट मैटर, टोटली अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है उसके वजह से जब वो बॉडी तो मूव नहीं कर रही है लेकिन जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है, जब वो मैग्नेट मूव करता है तो जिस तरीके से उसके ऊपर उसका इमेज बनता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब T2 वेरिएंट में बोन, एयर, फैट, लो प्रोटीन डेंसिटी एंड फाइब्रोसिस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, इंट्रा सेलुलर एंड मेथेमोग्लोबिन एंड आयरन, ये ऑल दीज थिंग्स आर लो सिग्नल, दैट मीन्स डार्क इन कलर। आपको इससे क्या सीखने को मिला? इसे सीखने को ये मिला कि अगर हमें कभी भी इमेज मिली तो सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना है कि ब्राइट कहाँ है, इंटरमीडिएट कहाँ है और डार्क कहाँ है। अगर हमने ये ढूंढ लिया तो ये हम एसेस कर सकते हैं कि अगर बहुत डार्क है तो बोन हो सकता है, यूरिन हो सकता है, सीएसएफ हो सकता है, एयर हो सकता है, मूव वाटर कंटेंट मूव कर रहे हैं, एडिमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन और कैल्सिफिकेशन, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अब आपको एसेस ये करना है कि जो T1 इमेज बनी है वो किस पार्ट्स का है। मान लीजिए आपको ब्रेन का T1 इमेज दिया और आपने पैर के बारे में पूरा सोच लिया तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले आपको उसको एनाटॉमिकल तौर पे ये जानना होगा कि ये जो इमेज है वो किसकी है, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचना होगा कि वो डार्क है, इंटरमीडिएट है या ब्राइट, ठीक है। कोई डाउट? क्या सर? मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हाई सिग्नल, इंटरमीडिएट सिग्नल, लो सिग्नल, ये T1 टू T2 ये तो मिल ही जाता है T1 टू। हां, अगर ये हाई सिग्नल ये न मिले तो क्या? आपको सिग्नल कहीं मिलेगा नहीं, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, कहीं लिख के नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कलर आपको आएगा, कलर है। हां, जैसे नेक्स्ट कीजिए, अब बैक कीजिए, बैक और बैक, आपको एक दिखाता हूं यहाँ पे देखिए लिखा है T2 weighted image demonstrate a bright signal but here T2 weighted sagittal plane and transverse relaxation plane okay and fluid and an intermediate signal from head for example in the brain the CSF appear white sir यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि in the brain the CSF appear white that means यहाँ पे जितनी भी चीजें व्हाइट दिखाई दे रही हैं वो क्या हो सकती है? CSF हो सकती है। अगर जो चीजें T2 प्लेन में जो चीजें डार्क दिखाई जा रही हैं वो आप क्या बोल सकते हैं? ब्राइट सिग्नल थोड़ा है, यहाँ पे डार्क नहीं बात किया है, ब्राइट की बात किया है, वो आप बोल सकते हैं कि फ्लूइड है। यही चीज आपको पूरे इमेज में देखना है, ठीक है। कहीं सिग्नल लिख के नहीं आता सर, ये आपको समझना पड़ता है। ओके, कोई क्वेश्चन? अभी बाद में आप पूछेगा, थोड़ा और बताता हूँ। डायग्नोस्टिक यूज ऑफ MRI, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी एवरीथिंग, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता है क्यों? हम रेडियोलॉजिस्ट तो है नहीं जो हमको रेडियो करना है, हमको तो बस पढ़ना है क्या बीमारी है वो देख लेना है, उसकी मेडिसिन दे देनी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं MRI है जे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मेडिकल डायग्नोसिस। ये वाइड रेंज, ये इतना बड़ा वर्ड है, वाइड रेंज मतलब कि आप कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है मेडिकल का जिसमें आप MRI का यूज नहीं कर सकते।
More than 25,000 listeners are estimated being in use worldwide. मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग 25,000 स्कैनर यूज किए जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी काउंटिंग छोड़ दो। अब बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक यूज क्या है एमआरआई। न्यूरो इमेजिंग ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, एक जान न्यूरॉन्स, ये सब आपने नाम सुना है ना, ये सारे लोग हैं, नहीं? अभी जो ये कलर आप देख रहे हैं ये न्यू टेक्निक है एमआरआई। अब तक ब्लैक एंड व्हाइट ही आता था, जो पुराने जमाने में जो फिल्में बनती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट वैसा, लेकिन अभी नई टेक्निक आई है जिसमें एमआरआई कलर आ रहा है, ठीक है? उसके लिए अभी कोई नया चीज नहीं है, अभी हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फॉरेन में ये चीज कलर हो रही है। तो न्यूरो इमेजिंग में क्या क्या डिसऑर्डर हैं जिनको कि हम एमआरआई के जरिए डायग्नोसिस कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल कैंसर, यू नो अबाउट न्यूरोलॉजिकल कैंसर? ज्यादा वाइड मत कर यार, टाइम हो गया। न्यूरोलॉजिकल कैंसर मींस हियर, न्यूरोलॉजिकल कैंसर आर कैंसर ऑफ द ब्रेन, इज एनी फॉर्म ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट within the central nervous system, brain and spinal. That is the neurological cancer. Neurological cancer मतलब कि आपके brain और spinal cord से related कोई भी neurological disorder होती है तो उसमें आप MRI को prefer बोल सकते हैं, advise कर सकते हैं कि आप MRI करके देखें, ठीक है? उसके बाद demyelinating disease. Demyelinating sheath का नाम आपने सुना होगा, आपकी neurons होती है, ठीक है? उसमें माइलिन और डीमाइलिनेटिंग होती है। तो जो डीमाइलिनेटिंग मतलब कि जो आप जैसे एक चीज समझो, सीधा सीधे यहीं पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक रूम है और इधर लड़के इधर इधर लड़कियां हैं, सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन स्वामी सर ने अगर बीच में एक दीवार दे दिया तो क्या करेंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे आपने दीवार तोड़ने की कोशिश किया ना तो आपका नर्वस सिस्टम खत्म, सेम चीज वहां पे भी। तो इसमें डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस में क्या होता है, जो आप दीवार तोड़ रहे हैं ना वो दीवार ऑलरेडी आपकी माइलिनेटिंग शीथ में टूट चुकी रहती है, जिसके वजह से आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना जो आप देख ले रहे हैं वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो वहां पे भी जो आपके दिमाग में जो चीजें पहुंचनी चाहिए, जो सूचनाएं जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम है आदमी को तो आप उसमें MRI प्रेफर कर सकते हैं या एडवाइज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज। आपको ऑलरेडी पता है कि सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज क्या है, बताओ? सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड सेरेब्रल सर्कुलेशन। मतलब ये आपके ब्लड वेसल्स जो भी ब्रेन में है उनके सप्लाई को रोक देता है, और आपका जो भी सर्कुलेशन है, सेरेब्रल सर्कुलेशन है यानी CSF का जो सर्कुलेशन है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम आती है, उसको सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, और इसमें आप MRI को एडवाइज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है इन्फेक्टेड डिजीज। जैसे किसी को चोट लगे, किसी को हैमरेज हुआ, लेकिन किसी ने छत से गिरा लेकिन उसका सर फटा नहीं, ठीक है? और वो फटने नहीं, फटने की वजह से उसमें से जो कुछ भी है, जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकला और वो अंदर ही अंदर स्पॉइलेज हो गया, सड़ने लगा, तो वो एक इन्फेक्शन बना लेता है, जिसकी वजह से आप उसमें भी इसको एडवाइज कर सकते हैं MRI, ठीक है? उसके बाद आता है एपिलेप्सी। इसका एग्जाम्पल आप लोग के पास बहुत ही अच्छा है, ठीक है? एपिलेप्सी इज ए ग्रुप ऑफ It's a minimally invasive form of surgical intervention which makes use of a three-dimensional
coordinate system to locate small target to inside the body and to perform on the same as action such as ablation, biopsy, lacing, reducing. जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ, आपने यूरोलिथियसिस देखा है? यूरोलिथियसिस का कोई पेशेंट देखा है? जैसे कि उसमें हम वो जो स्टोन होता है ना, यूरोलिथियसिस जो बोन होता है उसको, जो स्टोन होता है उसको हम अंदर ही अंदर क्रश कर देते हैं, और क्रश करने के बाद हम उसको पेशाब के रास्ते आउटपुट, मतलब उसको आउटपुट देते हैं, इतना ज़्यादा आउटपुट देते हैं कि वो बाहर चला जाता है। जैसे जीबी के केस में उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसे 3 से 4 जगह हम उसमें बॉडी में होल करते हैं, वो होल को एक टारगेट पोजिशन पर लेके जाते हैं, यहाँ पे टारगेट पोजिशन है और इसको हम क्रश करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे है स्टेरियो स्टेटिक सर्जरी है, तो किसी भी तरह का बहुत ही मिनिमल सर्जरी है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके बॉडी का ज़्यादा कट ना लगे, तो आप स्टेरियो स्टेटिक सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक पोजीशन का पता होना चाहिए कि ये रियलिटी में कहाँ पे है, तो उसके लिए आप MRI एडवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है रेडियो सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द क्रैनियल ट्यूमर, क्रैनियल ट्यूमर नेक्स्ट अब हम आपके बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर में कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियक सीटी, मायोकार्डियल इस्केमिया, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, आयरन ओवरलोड एंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इन सारे रोगों में आप MRI को एडवाइज कर सकते हैं। पता है आप लोग को ये सब क्यों बता रहे हैं? कल के डेट में जब डॉक्टर बन के जाएंगे ना आप लोग, तो आप लोग को मरीज मिलेंगे तो आप लोग सोचेंगे थोड़ा, यार इसको तो कोई पता नहीं था ना कि किस रोग में क्या करना है MRI, तो थोड़ा याद करेंगे यहाँ की क्लास को तो शायद आप लोग इसको एडवाइज कर सकते। जरूर जरूर। मस्कुलर स्केलेटन, ये सारे केस में आप MRI को प्रिफर कर सकते हैं, MRI को एडवाइज कर सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग जाते हैं, जब डॉक्टर लिखता है ना ब्लड टेस्ट, USG, एक्सरे वक्सरे फलाने ढिकाने लिख देता है ना, तो आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी ना पूछते ना, सर ये क्यों लिख दिया आपने, क्या जो था, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रिफर कर सकते हैं कि नहीं सर ये प्रॉब्लम है आप ये चीज़ आप लिखो, या आप खुद मरीज को एडवाइज कर सकते हैं कि देखो तुमको ये प्रॉब्लम है और उसमें ये चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिवर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इसमें आप हिपेटोफिजरी, लेसन ऑफ लिवर, लेसन ऑफ लेसन ऑफ घाव, आप बाइल डक्ट, अगर इसके अंदर कोई चोट लगा है लीवर में, पैनक्रियाज में, बाइल डक्ट में, अगर नॉर्मल USG से फाइंड आउट नहीं हो पाता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास MRI है, आप उसको MRI एडवाइज कर सकते हैं। इसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी मतलब स्टेनोसिस, ये सबसे बड़ा इसका यूज आज के टाइम में हार्ट प्रॉब्लम है। एंजियोग्राफी मतलब क्या है कि जो एंजियोग्राफी पेंड होता है हार्ट में, हार्ट से सर्कुलेशन होने वाली आर्टरीज, वेंस या जो भी चीजें उससे निकलती हैं उनकी जो ग्रोथ होता है वो नैरो हो जाती है, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, नैरोइंग मतलब जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं एंजियोप्लाजी करवाया, एंजियोप्लाजी में सिर्फ क्या करते हैं, जो ट्यूब होता है वो नैरो हो जाता है तो उसको हम डायलेट कर देते हैं या उसको उसके पैसेज को, उसके वे को सही कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम MRI का यूज कर सकते हैं। वैसे अलग से भी एंजियोग्राफी भी होता है, आप एंजियोग्राफी भी एडवाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट इमेज की, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको कि MRI भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, उसका कुछ तरीका है, कुछ अलग तरीका है। जैसे ये सब चीजें तो भी थी, इसको तो MRI के अंदर मशीन में हमने डाल दिया और वो फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट मतलब थोड़ा जल्दी
कॉन्ट्रास्ट मतलब कोई भी चीज जो आपको दिख नहीं रही है और एक एजेंट है जिसको कि उसके अंदर अगर हम डाल दें तो वो चीज बिल्कुल क्लीन दिखती है। जैसे आपने यूरोलिथियसिस में एक कैमरा होता है, उस कैमरे को हम अंदर बॉडी के डालते हैं, ये चार होल इसीलिए हम करते हैं कि आदमी के बॉडी में जहाँ टारगेट आर्गन है वहाँ तक वो कैमरे जा सके जिसके जरिए देखें। सेम चीज यहाँ पे जब कोई ऐसा वेसल्स कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जैसे ज्वाइंट इन केस ऑफ आर्थ्रोग्राम रीनल इंपेयरमेंट नेफ्रोजेनिक सिस्टम फाइब्रोसिस, इन तीन ऐसी केसेज हैं जिसमें कि हमको कॉन्ट्रास्ट एजेंट की जरूरत होती है, यानी कि हमारी बॉडी हमारे जो एमआरआई मशीन है वो हमारी बॉडी को ऊपर से फाइंड आउट नहीं कर पाता है। यहाँ पे जो हमें पोटास चाहिए एच प्लस जो चाहिए वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं या पहुँचते हैं तो कम मात्रा में पहुँचते हैं जिसकी वजह से हम इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट में एक नाम है गैडोलिनियम, ये एक पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की हमने बात बहुत सारे देर से कर रहे हैं, तो ये एजेंट एक इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। आप लोगों को एक चीज हमने नहीं बताया कि एमआरआई और सीटी कराने से पहले आपसे एक कंसल्ट पेपर पे साइन करवाया जाता है, कभी आपने ध्यान दिया है? करा लेंगे ओके, कभी भी आप कराने जाइएगा तो वो कराया जाता है, कंसल्ट पेपर पे साइन कराया जाता है। उसमें क्या लिखा रहता है, जो चीज आप हॉस्पिटल में कंसल्ट पेपर पे साइन करते हैं सेम चीज लिखा रहता है, सिर्फ अंतर क्या होता है उसमें ये लिखा रहता है कि मैं किसी भी तरह का एनेस्थेसिया का इंजेक्शन या उसको कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करूंगा, उसके दौरान अगर आदमी के बॉडी में कोई भी फिजिकली तौर पे या एनाटॉमिकली तौर पे कुछ भी डिफॉर्मिटी होती है तो उसकी जिम्मेदार डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि ये एजेंट जो है कहीं ना कहीं आयन है, पैरामैग्नेटिक है, आपके बॉडी में भी आयन है तो उनसे रिएक्शन तो कर सकता है, तो वो एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा किया जाता है। अब इस ये सारे जो केसेस हैं ज्वाइंट इन के साथ आर्थ्रोग्राम रीनल इंपेयरमेंट नेफ्रोजेनिक सिस्टम फाइब्रोसिस, इनमें हम क्या करते हैं आदमी को ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है वो आईवी यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना आईवी, इस माध्यम से यूज करते हैं और मुश्किल से 10 सेकेंड के बाद वो आईवी पूरे बॉडी में फैल जाता है और जब हम उसका एमआरआई करते हैं इन सारे पॉइंट्स का तो वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आता है, ठीक है। इसके लिए ये सारा कुछ यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक ही जगह नहीं, आपको सिटी में भी यूज होता है, जो सिटी का पॉइंट जिसके पास है वो बताएंगे कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट उसमें भी यूज होता है, उसके बाद एक्सरे में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती है ताकि आपको सही तरीके से इमेज बनाया जा सके, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कट फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। सेफ्टी, एक और स्लाइड है बस, इट्स डन इन फॉलोइंग। अब देखिए एमआरआई तो हमने बताया कि सभी जगह पे आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस है जहाँ पे आप बिल्कुल भी एमआरआई नहीं कर सकते, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट, कार्डियक पेसमेकर, शार्प नेस, मेटलिक कोलेजन बॉडी इन आई, फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, वेगस नर्व स्टिमुलेटर, इंसुलिन पंप, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी पेशेंट के साथ तो आप बिल्कुल भी एमआरआई उसको एडवाइस न करिए। इसीलिए पेशेंट को डायग्नोसिस करने से पहले हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है। आप बिना हिस्ट्री का अगर किसी को भी कुछ एडवाइस करने हैं तो वो आपके लिए कल के डेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में डॉक्टर्स के लिए लॉ जो बनाए गए हैं वो बहुत ही टफ बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कारण है कि हम इन लोगों को नहीं कर सकते, जो अभी आपने पढ़ा ना पेस मेकर और सारे लोग, इन लोगों का क्या कारण है कि हम इन लोगों को एमआरआई नहीं एडवाइज करेंगे? इसके पीछे रीजन है एमआरआई यूज पावरफुल मैग्नेट एंड व्हेन देयरफॉर कॉज मैग्नेटिक मटेरियल टू मूव एट ग्रेट स्पीड पोजीशनिंग रिस्क एंड डेथ हैव ऑकर्ड। मतलब ऑलरेडी आपके बॉडी में कुछ मैग्नेट की तरह है जो फोटॉन है और उसके बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाला, वो भी आपका कहीं ना कहीं लोहा होगा, आयरन होगा, कुछ तो मटेरियल्स होगा, ठीक है। और उसके ऊपर आपके पास क्या है जो एमआरआई है, वो पूरा बार मैग्नेट है,
एक तरह का उसके अंदर अट्रैक्टिव पावर है। तो अगर हम उस व्यक्ति को जिसके अंदर जैसे पेस मेकर डाला गया है, अगर हम ये चीज करते हैं, हो सकता है कि उस मैग्नेट के वजह से उसका पेस मेकर वहां से निकल के कहीं और बॉडी में चला जाए, या हो सकता है कि वो इतना तेजी से मूव करता है कि वो मूवमेंट की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हम उस व्यक्ति को ये चीज एडवाइस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ओवरी, अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर बार बार MRI एडवाइज करते हैं, उसको लो बैक पेन हो सकता है फ्यूचर में, तुरंत नहीं होगा, फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट थैंक्स टू आर